जैसे कि आप सबको पता है, 2015 से हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष पर NCERT भी लेकर के आया है काफ़ी सारे लाइव सेशंस जो कि योगा बेस्ड है। और इस सेशन में भी हम बात करने वाले हैं योगा फॉर कंसंट्रेशन पर, और हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर नारायण प्रकाश गिरी। आपका स्वागत है प्रोफेसर नारायण। धन्यवाद। और यहाँ मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी, अगर आपके योगा से जुड़े कुछ प्रश्न हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर। नंबर है 1800-111-265 अथवा 1800-112-199। साथ ही आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी cieet.kishoremanch@gmail.com। और इसके अलावा आप हमारा ये लाइव सेशन देख रहे हैं हमारे YouTube लाइव स्ट्रीमिंग से, जहां पर आप कमेंट कर भी अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल है NCERT ऑफिशियल। सो प्रोफेसर नारायण, आज हम योग दिवस है तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि योगा से हम क्या समझ सकते हैं। देखिए, योग एक ऐसा शब्द है जिससे हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। योगिक क्रियाएं हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हम हर तरह से स्वस्थ रह सकते हैं और हम अपने मन को एकाग्र करके अपने मन को स्टेबिलिटी और शरीर को हम बिल्कुल रिलैक्स कर सकते हैं। जी प्रोफेसर नारायण, आपने एकाग्रता की बात की और जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ इसको कंसंट्रेशन भी कहते हैं अंग्रेजी में, ये कंसंट्रेशन से क्या तात्पर्य है? देखिए, कंसंट्रेशन से तात्पर्य ये है कि हमारा मन है, ये इसकी प्रवृत्ति होती है चंचलता। अगर हम इस चंचलता को, इसको हम एकाग्र करने में प्रयत्न करते हैं या एकाग्र कर लेते हैं तो उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो योग के द्वारा योगिक एक्सरसाइज ऐसी हैं जो हमारे मन को एकाग्र करने में सहायक हैं। जी प्रोफेसर नारायण, काफ़ी सारे व्यूअर्स भी कंफ्यूज है कि हमेशा योगा को कंसंट्रेशन से कैसे जोड़ा जा सकता है, हमेशा ऐसे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू एक्सप्लेन अस। आज आप क्यों ना हमें बताएं कि योगा और कंसंट्रेशन के बीच में क्या लिंक है। हाँ, योग और कंसंट्रेशन के बीच एक बहुत बड़ा संबंध है, और हम ये कंसंट्रेशन के लिए योग ही क्यों करें, ये भी एक प्रश्न आजकल के विद्यार्थियों में, आजकल की जनता में ये उठता है कि हम योग ही क्यों करें कंसंट्रेशन के लिए। योग एक ऐसी क्रिया है जिसे हम घर में भी कर सकते हैं। बाकी जो क्रियाएं हैं, जैसे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं या दूसरी जिम की एक्टिविटीज़ है, वो हम सबको बाहर जाके करनी पड़ती हैं। योग की क्रियाएं हम घर पर भी कर सकते हैं और ये कम खर्चीली हैं, इसमें कोई खर्चा ज़्यादा नहीं आता और कम से कम खर्चे में हम कर सकते हैं, और इसमें जितना भी हम खुद भी कर सकते हैं और घर के और सदस्यों को भी साथ में लेकर के हम योग कर सकते हैं और हम हर तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए कंसंट्रेशन के लिए या स्वस्थ रहने के लिए हम योग को करने के लिए प्रेरित करते हैं। जी प्रोफेसर नारायण, विजुअल्स ऑलवेज क्रिएट ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आर माइंड, तो मैं आपसे चाहूँगी अगर आपने कोई भी स्लाइड या विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए योगिक एक्टिविटीज़ को या इस सेशन को और बेहतर समझाने के लिए कुछ प्रिपेयर किया है तो हम सब बच्चों को दिखाएं। एक बार मैं करूँगा। जी, और यहाँ मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि ये सेशन जो है आप JioTV एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं। जी प्रोफेसर नारायण, आप यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, देखिए, आज का हमारा टॉपिक है योग फॉर कंसंट्रेशन। देर आर थ्री वर्ड्स, योग फॉर कंसंट्रेशन। सो योग में हम सीखेंगे व्हाट इज योग, व्हाट इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ योग, और कंसंट्रेशन में हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंसंट्रेशन, व्हाट शुड वी डू फॉर कंसंट्रेशन, व्हाट आर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन, और फॉर के लिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे हाउ योगिक एक्सरसाइज आर यूजफुल फॉर कंसंट्रेशन, हाउ योगा इज यूज हेल्पफुल फॉर कंसंट्रेशन। तो ये जरूरी है हमारे लिए कि भाई हम योग
कंसल्टेशन के लिए योग में हम क्या क्या करें, पहले जानना जरूरी है कि भी योग क्या है, व्हाट इज योग। द वर्ड योग इज डाइव्ड फ्रॉम संस्कृत रूट यूज विच मीन्स टू ज्वाइन टू यूनाइट, दिस मे बी टेकन एज द यूनियन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। ये जो योग है ये हमारे शरीर मन और आत्मा का समन्वय है, इसको हम समन्वय करने की कोशिश करते हैं। इसको समन्वय करने के लिए महर्षि पतंजलि ने हमको अष्टांग योग का इसमें वर्णन किया है और हम अष्टांग योग का आगे जाके इसका वर्णन हम करेंगे। तो ये योग है, योग की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे एक प्राचीन ऋषि मुनि रहे हैं महर्षि पतंजलि, उन्होंने योग की परिभाषा दी है, योग चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात योग इज रिस्ट्रेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द माइंड। जो हमारी चित्त की वृत्तियां हैं, चित्त के थॉट्स हैं, माइंड के थॉट्स हैं, उनको कंट्रोल करना, उनको रिस्ट्रेंट करना ही योग है। क्योंकि ये मन की जो वृत्तियां हैं, ये क्योंकि मन हमारा चंचल होता है, मन को वश में नहीं हम कर पाते, तो इनको हम जब कंट्रोल करते हैं, इसके जो योग के विभिन्न साधन हैं उनको, उनके द्वारा हम जब मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो वो योग कहलाता है। ऐसे ही हम देखें गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, योग की परिभाषा दी गई है, भगवान कृष्ण ने कहा है समत्वम योग उच्यते, इवननेस ऑफ माइंड इज योग। अगर हम सभी के प्रति समत्वम की भावना रखेंगे तो वो योग कहलाएगा। हम किसी को ऊंच, किसी को नीच, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को अमीर, किसी को गरीब ना समझें, सभी को समत्वम, सभी के प्रति समत्वम की भावना रखें, यही योग है। तीसरी परिभाषा दी है, गीता में ही दी गई है, योग है कर्मसु कौशलम, मीन्स योग इज स्किलफुलनेस इज इन एक्शन। अच्छा, अर्थात कर्मों में कुशलता पाना ही योग है। जो हम कर्म करते हैं, कर्म भी कई तरह के होते हैं, मेन दो तरह के होते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। गीता में बताया गया है कि अच्छे कर्म करने से अगर हमको हमारे जो जीवन सुधरता है, और जो दुष्काम कर्म है उसको करने से हमारे जो जीवन है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बन जाता है। तो योगा जो भी हम कर्म करते हैं जीवन में, समाज में, तो वो उसमें दक्षता पाना ही योग कहलाता है। तो ये डेफिनेशंस हैं, और कुछ टाइप्स भी हैं योग के, जैसे अष्टांग योग है, ये सबसे प्राचीन एक तरह से टाइप है, जो महर्षि पतंजलि ने इसका वर्णन किया है, इसका हम आगे भी वर्णन करेंगे। और गीता में जो वर्णन किया है योग का, उसमें तीन तरह के योग का वर्णन किया है, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और हठ योग, ये गीता में इसका वर्णन किया गया है। और राजयोग और अन्य योग भी हैं जिसका हम वर्णन योग में पढ़ते हैं। तो ये योग के प्रकार थे। अब हम आगे चलेंगे, अब हम देखेंगे तीसरा जो वर्ड है, व्हाट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैन बी डिस्क्राइब एज द एक्शन ऑफ फोकसिंग एंड डायरेक्टिंग वंस अटेंशन एक्सक्लूसिवली ऑन समथिंग। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि भी किसी एक चीज को फोकस करना, उस पर कंसंट्रेट करना ही कंसंट्रेशन कहलाता है। मतलब हम अपने जो बाहर की एक्टिविटीज है उनको हम सब भूल जाते हैं, उनकी जो मन की चंचलता है वो खत्म करने की कोशिश करते हैं, और किसी एक कर्म पर, किसी एक कार्य पर हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, फोकस करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देज होता है, हाउ योग कैन हेल्प इंप्रूव कंसंट्रेशन। देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो हमारा मन है वो चंचल होता है, और चंचलता को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता, और योगी की ऐसी एक्सरसाइज हैं जो हमारे कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर सकती हैं, और कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो इसको कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ योग में एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ। एक तो अष्टांग योग है, अष्टांग योग में 8 क्रियाएं होती हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और उसके बाद होते हैं, इसमें से प्राणायाम भी बीच में आ गए हैं, नेक्स्ट जो क्रियाएं हैं वो षटकर्म हैं। षटकर्म में 6 क्रियाएं होती हैं, नेति, धोती, बस्ती, न्योली, त्राटक और कपालभाति। और इसके बाद जो योगी क्रियाएं हैं, बंध और मुद्राएं, ये हम करते हैं। लेकिन जो हमारे कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज होती हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है पोजेस फॉर कंसंट्रेशन। देखिए पोजेस 4 तरह के होते हैं, वैसे तो ये जनरल में हमने बांट दिया है, स्टैंडिंग पोजेस, सिटिंग पोजेस,
बैक बेस्ड लाइंग पोजिस, चेस्ट बेस्ड लाइंग पोजिस, तो चार तरह की पोजिस हैं। हम इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, जैसे मेडिटेटिव पोजिस, रिलैक्सेटिव पोजिस एंड कल्चरल पोजिस, तो दूसरी तरह भी कर सकते हैं। अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसे हमको जल्दी अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे पहले लेते हैं स्टैंडिंग पोजिस। स्टैंडिंग पोजिस वो होते हैं जो खड़े होके आसन किए जाते हैं, जैसे वृक्षासन है, गरुड़ासन है, ये सब खड़े होने के आसन हैं। तो और भी है, आसन कई हैं, लेकिन इनसे क्या होता है, हमारी कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव करती है कि भाई जो खड़े होने के ज़्यादातर आसन बैलेंसिंग के हैं, जब हम अपने शरीर को बैलेंस बनाते हैं तो हमारा मन कंसंट्रेट एकाग्र होने में कोशिश करता है। जो हमारी जो तनावपूर्ण मन होता है उसको, जब हम आसन करते हैं, जो आसन करने में लिए जो हमारी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, तो उनको हम स्ट्रेंथन देने के लिए जो हम मन को एकाग्र करते हैं कि ताकि हम उस, जैसे वृक्षासन आप देख रहे हैं, तो वृक्षासन में हम हमारा बैलेंस कायम रहे, हम ना गिरें इधर उधर, और हमारा जो बैलेंस है एक पैर पर रहे, तो इसमें हम मन को एकाग्र करने में हमको मदद मिलती है। ऐसे हम जैसे वृक्षासन पहले बाएं टांग से किया जाता है, फिर दाएं टांग से किया जाता है, ऐसे ही गरुड़ासन है, और ऐसे और खड़े होने के कई आसन हैं। दूसरे आसन हैं, पोजिज हैं, सिटिंग पोजिज। सिटिंग पोजिज जैसे आप देख रहे हैं, जैसे पद्मासन है, सिद्धासन है, ये मेडिटेटिव पोज भी हैं, और वज्रासन है, उष्ट्रासन है, जानुशीर्षासन है, पश्चिमोत्तानासन है, मंडूकासन है, ये कई आसन बैठने के भी हैं जिनसे हम अपने आप को कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम ये सिखाते हैं कि आप जब आसन करते हैं तो आपका ध्यान आसन करने में ही होना चाहिए, और खास जब आसन पूरा हो जाता है तब हम मन को अपने श्वास पर ले आते हैं कि भी अपने श्वास पर मन को कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे हमारी हैबिट बन जाती है कि हम हमारा मन एकाग्र करने में लगा रहता है। तो जितनी भी हमारी जो चंचलता है मन की, या उसमें जो तनाव है, वो धीरे धीरे अपने आप खत्म होता चल जाता है। हमारी जो मन की एक्टिव नेगेटिविटी है वो भी खत्म होती चली जाती है। तो ये बैठने के आसन भी हम अगर करें, देखिए मैं तो ये करता हूँ कि भी कम से कम 10 मिनट की योगी एक्सरसाइज और मैक्सिमम 1 घंटे की एक्सरसाइज, अगर हम पूरे एक दिन में 24 घंटे में से ये अपना समय दे दें, तो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य हर तरह से, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है बैक बेस्ड लाइंग पोजिस। बैक बेस्ड लाइंग पोजिस है जैसे जैसे हालासन है, पवन मुक्तासन है, ये आसन हम भी जब हम करते हैं तो इससे हमारे जो मांसपेशियां हैं वो भी मजबूत बनती हैं, और हमको उसको मन को एकाग्र करने में मदद करती हैं कि ताकि हमें कोई, हम जब ये खुद सोचते हैं कि भी हम गलत तो नहीं कर रहे, तो हम मतलब हमारा मन वहीं आसन में लगा रहता है, हमको मन एकाग्र करने में मदद मिलती है। और ये जो जितने भी बैठने के पोजेज हैं, अगर हम इसमें से कुछ सेलेक्ट करके जो हमारे लिए अच्छे हैं, रोज की कम से कम, मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि 2 आसन कम से कम खड़े होने के, 2 आसन बैठने के, 2 आसन लेटने के, सीधे लेटने के, 2 आसन उल्टे लेटने के जरूर करने चाहिए। अगर समय हो तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। बैक बेस्ड आसन लाइंग पोजिज हैं। फिर नेक्स्ट है चेस्ट बेस्ड लाइंग पोजिज, जैसे भुजंगासन, धनुरासन, शलभासन और कुछ एडवांस आसन भी हैं, और ये हम कर सकते हैं। तो इसको करने से जब हम इसमें साथ साथ मांसपेशियां तो मजबूत होती होती हैं, और इसमें जब हम ध्यान लगाते हैं, जब फाइनल पोजिशन पर जाते हैं, तो हम अपने अपना ध्यान श्वास पर लगाने के लिए कहते हैं, तो इसमें हमारी जो कंसंट्रेशन है वो बरकरार रहती है, कायम रहती है, और हमको एकाग्रचित करने में मदद मिलती है। तो ये आसन्स हैं, तो ये आसन्स करने से हमको कंसंट्रेशन करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट ये लाइंग पोजिज हैं, कमर के बल, जैसे पवन मुक्त आसन है, ये धनुरासन है, उल्टे छाती के बल लेट के करने वाले, तो ये हम अगर आसन हर तरह से कम दो कर लें तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ये काफ़ी हैं, और कंसंट्रेशन करने के लिए भी काफ़ी हैं। इसमें जो समय है वो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि 15 सेकेंड, हर आसन कम से कम 15 सेकेंड करें और मैक्सिमम 1 मिनट करें, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सफिशियंट है। अगर टाइम है तो आधा मिनट के लीजिए, अगर और टाइम है तो 1 मिनट के लीजिए, कम से कम हर आसन 15 सेकेंड जरूर करें। नेक्स्ट है प्राणायाम फॉर कंसंट्रेशन। प्राणायाम कई तरह के होते हैं,
प्राणायाम का अर्थ होता है टू कंट्रोल द वाइटल फोर्स, टू कंट्रोल द ब्रेथ, जो हमारा श्वास है उसको हम नियंत्रण करते हैं, तो वो प्राणायाम कहलाता है। और प्राणायाम करने से हमारी जो एकाग्रता है मन की, कंसंट्रेशन है, वो भी बढ़ती है। वो कैसे बढ़ती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्राणायाम कैसे करते हैं, कौन कौन से प्राणायाम होते हैं हेल्पफुल, वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्राणायाम जनरली 8 तरह के बताए गए हैं, जैसे सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, मूर्छा, प्लावनी, ये 8 तरह के प्राणायाम हैं। और इनमें से कौन कौन से जरूरी हैं मैं आपको प्राणायाम बता देता हूं। सबसे पहला है नाड़ी शोधन प्राणायाम, 3 पार्ट ब्रेथ कंट्रोल विच कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग नोस्ट्रल ब्रीदिंग हेल्प्स फोकस एंड क्लियर क्लाउड साइनस एज वेल एज ए क्लाउड माइंड। जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है ये एक तरह से अल्टरनेट ब्रीदिंग कराता है। हमारी जो 2 तरह की नाड़ियाँ होती हैं नाक में, एक बाई नोस्ट्रल एक दाई नोस्ट्रल। बाई नोस्ट्रल को हम कहते हैं चंद्र भेदन और चंद्र नाड़ी, और दाई नोस्ट्रल को हम कहते हैं सूर्य नाड़ी। पहले हम सांस लेते हैं चंद्र नाड़ी से, स्टार्ट विद लेफ्ट नोस्ट्रल एंड इनहेल इनहेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रल, एक्सहेल थ्रू राइट नोस्ट्रल, देन इनहेल थ्रू राइट नोस्ट्रल एंड एक्सहेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रल। दिस इज कॉल्ड 1 राउंड। तो ऐसे हम अगर 5-6 राउंड कम से कम कर लें तो हमारे कंसंट्रेशन में इसको हमको मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि हम इसमें अपना ध्यान, अपना मन श्वास पर रखने के लिए कहते हैं। श्वास पर मन अपने आप ही लगेगा, क्योंकि हम इसमें बताते हैं कि पहले बाएं तरफ से नाक श्वास लीजिए, फिर दाएं से छोड़िए, फिर दाएं से लीजिए, बाएं से छोड़िए। हम हमारा मन व्यस्त रहता है और इसी पे ही कंसंट्रेट करेगा, तो हम नेचुरली हमारा मन एकाग्र होगा। तो इसलिए हम ऐसे नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो हमारा मन को एकाग्र करने में मदद मिलेगी। दूसरा है उद्गीत प्राणायाम, मतलब चैंटिंग ब्रेथ हरनेस फॉर पावरिंग मंत्रास और ओम टू रिलैक्स एंड बूस्ट कंसंट्रेशन। फोकसिंग ऑन द एक्सहेल हेल्प्स रिलीज टॉक्सिक एनर्जी एंड बिल्ड अप कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इसमें जो प्राणायाम है, हम इसमें तो 2 तरह के मंत्र करते हैं। इसमें चैंटिंग करते हैं, ओम की चैंटिंग करते हैं। आप किसी भी ओम चैंटिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं ओम की करनी हो, या फिर कुछ मंत्राज होते हैं जो भी आपके जो ऐसे शब्द हैं उनको आप ले सकते हैं बोलने के लिए, और उनका हम चैंटिंग करें। तो चैंटिंग हम विद ब्रीदिंग करते हैं। विद ब्रीदिंग करेंगे तो नेचुरली वो हमारा इफेक्ट सीधा मन पर पड़ता है, और मन पर पड़ने से क्या होगा कि वे हम हमारा मन एकाग्र होगा और शांत होगा, और जितनी भी चंचलता है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। तो ओम की चैंटिंग और मंत्राय की चैंटिंग, जैसे मैं को मंत्र बता देता हूँ, जैसे गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे कल्याण मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। ऐसे और भी जो मंत्र हैं जो आपको याद कर सकते हैं, तो वो उनको अगर हम उच्चारण करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो इसमें हमारा मन एकाग्र रहता है। तो क्योंकि जब हम मंत्र बोलते हैं तो उसके जो स्पेलिंग्स हैं वो हमारे मन में आते रहते हैं कि भाई हम ये बोल रहे हैं, और वो बोलने से हमारा मन जो है एकाग्र होने में हमको मदद मिलती है। तो ओम की चैंटिंग भी हम करें या मंत्रास करें, तो ये भी इसके लिए भी टाइम हम अगर 2-3 मिनट रोज की निकालें तो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हम जो मधुमक्खी होती है उसकी तरह हम आवाज निकालते हैं श्वास लेकर के, फिर हम जब बाहर श्वास को बाहर निकालते हैं, एक्जेल करते हैं, तो उसको उसमें मधुमक्खी जैसी हम आवाज निकालते हैं। जैसे श्वास लिया, ऐसे जितना लंबा श्वास निकालेंगे उतना ही मन हमारा शांत होगा। ये सब एक्सरसाइज प्राणायाम जो है आंखें बंद करके की जाती हैं, और जहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस हो वहां पर की जाती हैं, जहां पर थोड़ा चहल पहल हो वहां करने के लिए हम अवॉइड करते हैं। तो ये प्राणायाम के प्राणायाम थे फॉर कंसंट्रेशन। अच्छा, एक बड़े दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं मैं आपको बता दूं, कंपोनेंट्स ऑफ प्राणायाम। देखिए योगिक भाषा में जो कंपोनेंट्स हैं, श्वास लेने को पूरक कहते हैं, श्वास रोकने को कुंभक कहते हैं, और श्वास छोड़ने को रेचक कहते हैं।
तो इसके कुछ प्राणायाम के, अगर हम प्राणायाम कुछ सिस्टमेटिकली अच्छा अर्थात रेशों के अनुसार करें तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसलिए जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हम एग्जांपल है ये, 5 सेकंड में हम श्वास लेते हैं और शुरू शुरू में हम रोकने के लिए नहीं कहते और 5 सेकंड में ही श्वास को हम निकाल देते हैं। तो शुरू शुरू में जो दो पहले पहले दो एस्पेक्ट्स हैं ये क्या नाम रेशो हैं, तो उसमें हम श्वास रोकने के लिए रिकमेंड नहीं करते। दूसरा जो रेशो है, 5 सेकंड में श्वास लीजिए और 10 सेकंड में निकाल दीजिए, अर्थात डबल टाइम में हमने श्वास को निकालना है। अगर आपने 3 सेकंड में श्वास लिया है तो 6 सेकंड में श्वास को निकालना है, 4 सेकंड में लिया है तो 8 सेकंड में श्वास निकालना है, अर्थात डबल टाइम में श्वास को निकालना है। नेक्स्ट है 5 सेकंड में श्वास लीजिए और 5 सेकंड से श्वास रोकिए और 10 सेकंड में निकाल दिए। जो निकालने का है वो तो डबल रहेगा ही रहेगा उसके बाद। और जो नेक्स्ट फोर्थ रेशो है वो 5 सेकंड में श्वास लीजिए, 10 सेकंड में श्वास को रोकिए और 10 सेकंड में श्वास को निकाल दीजिए। और जो लास्ट रेशो है जो बहुत एडवांस मानी जाती है, जो केवल काफी बड़े बड़े रोगी योगी ही इसको करते हैं, करने के लिए रिकमेंड करते हैं, वो है 5 सेकंड में श्वास लीजिए और 20 सेकंड श्वास को रोकिए और 10 सेकंड में श्वास को निकाल दीजिए। देखिए अगर हम पहले रेशो को भी लेते हैं, जनरली हम श्वास को श्वास हम 12 से लेकर 15 श्वास तक लेते हैं, श्वास उसमें लेना भी है छोड़ना भी है। तो 12 श्वास हम अगर मान के चलें तो एक श्वास कितने का हो गया, 5 सेकंड का हो गया। तो इसमें हम प्राणायाम में प्रैक्टिस करेंगे, 5 सेकंड में लेंगे और तो 5 सेकंड में छोड़ेंगे, तो 10 मिनट सेकंड में एक राउंड हो गया, तो 1 मिनट में 6 श्वास हो गए। तो हमने कितने श्वास की बचत कर ली, 6 श्वास की बचत कर ली। तो हम कहते हैं ना कि ये हमारे जिंदगी के श्वास लिखे हुए हैं, तो श्वास लिखे होने के कारण तो इतने हम श्वास की बचत कर ली। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हम सारे दिन ही श्वास रोकने की प्रैक्टिस करते जाएं और अपने आयु बढ़ा रहे। देखिए जरूरत से ज्यादा भी हम कोई कार्य करते हैं या उसका नजायज फायदा उठाते हैं तो भी हमको नुकसानदायक होता है। तो ये एक्सरसाइज केवल जितनी हमारी बॉडी अलाउ करती है या जितनी हम हमारे योग टीचर इसको करने के लिए कहते हैं उतना ही करना चाहिए। ये नहीं है कि सारे दिन ही हम कुंभक लगाते रहें और अपने श्वास की बचत करते रहें। तो ये तो केवल लंग्स की पृष्ठी, जो हमारे जो हमारे फेफड़ों की क्षमता है उनको बढ़ाने के लिए हम इसका अभ्यास करते हैं। और अगर हम रोकने की प्रैक्टिस करें, इसको कुंभक लगाने की प्रैक्टिस करें, तो हमको कोविड-19 जैसे ये डिजीज होने के चांसेस नहीं है। क्योंकि जो कोविड-19 का खास तौर से मैं बता दूं, कोविड-19 में क्या होता है कि हमारा गले में घुटन होती है और घुटन के लिए अगर आप प्राणायाम करते रहेंगे, और कोविड-19 में हम श्वास 2-4 सेकंड्स के लिए भी नहीं रोक पाते। तो अगर आप धीरे धीरे इसको रोकने की प्रैक्टिस करें, 5 सेकंड रोकें, 10 सेकंड रोकें, 20 सेकंड रोकें, मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ, मैं 45 से 1 मिनट तक रोज श्वास को कुंभक लगाता हूँ, अलग से ही प्रैक्टिस करता हूँ। ये नहीं है कि भाई अपना प्राणायाम के साथ, प्राणायाम साथ तो होते ही होते हैं, मैं प्राणायाम के साथ जो करता हूँ वो 7.5 सेकंड में श्वास लेता हूँ और 7.5 सेकंड श्वास को रोकता हूँ और 15 सेकंड में श्वास को निकाल देता हूँ। तो ये मेरी रोज की दिनचर्या है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि कोविड-19 के दौरान अगर हम श्वास रोकने की भी प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे इसको बढ़ाएं, तो मतलब ही नहीं कि आपको कोविड-19 के सिम्टम्स नजर आए। तो इसलिए हम ये प्राणायाम करें, और जो पूरक है, रेचक है, कुंभक है, ये हम सीधे धीरे धीरे करने के लिए कहते हैं। हमारे मैंने देखा है कई भारत के शहरों में ये योग, कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको योग करवाया गया, प्राणायाम करवाया गया और उनको वो ये योग के प्राणायाम से ठीक भी हुए हैं। तो इसलिए हम कोविड-19 के दौरान अगर हम प्राणायाम करें तो इसके हमारे लिए बहुत अच्छा है और हम ठीक भी हो सकते हैं। और प्राणायाम कंसंट्रेशन के लिए तो अच्छे है ही हैं, इससे हमारी एकाग्रता तो बढ़ेगी बढ़ेगी और साथ साथ इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो ये जरूरी है कि हम प्राणायाम जरूर करें, प्राणायाम के लिए हम जरूर टाइम निकालें। प्राणायाम करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रखें, जैसे टाइमिंग्स ऑफ फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के दौरान जो टाइमिंग्स हैं हम कौन से टाइमिंग करें। हम रिकमेंड करते हैं कि सुबह के टाइम, जो जब सुबह का वातावरण अच्छा होता है, खुले में प्राणायाम करें तो अच्छा है, क्योंकि शुद्ध वायु होती है। अगर हम दोपहर को शाम को करेंगे उसमें पॉल्यूशन कुछ मात्रा में बढ़ा हुआ होता है, तो उसकी बजाय हम सुबह के टाइम प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट, प्लेस एंड पोस्चर, प्लेस
हम वहां पर करने चाहिए जहां पर वातावरण शुद्ध हो और शांति हो, पिन ड्रॉप साइलेंस हो। पोस्चर कौन से पोस्चर में करें, हम मेडिटेटिव पोस्चर में करें तो अच्छा है। मेडिटेटिव पोस्चर कौन से हैं, पद्मासन है, सिद्धासन है, वज्रासन है, ये हम इसमें कोई भी पोस्चर में हम प्राणायाम कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस प्राणायाम ऑन एन एम्प्टी स्टोमक। देखिए चाहे प्राणायाम हो चाहे योग की कोई भी एक्सरसाइज हो, हमको खाली पेट ही करना चाहिए। हाँ एक ही आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, वो है वज्रासन। वो मैं बताऊंगा कि वज्रासन खाना खाने के बाद क्यों करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए कि वज्रासन में हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है टांग को मोड़ने से टांग की तरफ रुक जाता है, अर्थात ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, और खाना खाने के बाद हमको ब्लड सर्कुलेशन डायजेस्टिव सिस्टम की तरफ ज़्यादा चाहिए होता है। इसलिए हमारा वज्रासन में डायजेस्टिव सिस्टम की तरफ ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है खाना पचाने के लिए, और टांग की तरफ रुक जाता है या कम हो जाता है। तो इसलिए हम खाना खाने के बाद केवल एक ही आसन कर सकते हैं, वो है वज्रासन। अच्छा नेक्स्ट है प्रैक्टिस विद एन एम्प्टी ब्लैडर। देखिए ये जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई आप पेशाब को रोके हुए हैं या नेचुरल काल को रोके हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है डोंट ट्राई टू आउट आसनास आफ्टर प्राणायाम। देखिए महर्षि पतंजलि ने बताया गया है कि आसन के बाद प्राणायाम करने चाहिए, लेकिन प्राणायाम के बाद आसन नहीं करने चाहिए। जैसे यम नियम आसन, यम नियम के बाद आसन करने चाहिए, ये आसन के बाद प्राणायाम करने चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कई प्राणायाम पहले करते हैं आसन बाद में करते हैं, ऐसा नहीं। या तो प्राणायाम ही कीजिए, आप आसन मत कीजिए, आप प्राणायाम करके आप अपना काम करना शुरू कर दीजिए, या फिर करने हैं दोनों करने हैं तो पहले आसन कीजिए फिर प्राणायाम कीजिए। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट है कीप योर टंग एंड थ्रोट पैसिव एंड आल्सो ऑलवेज एक्सहेल बिफोर स्टार्टिंग प्राणायाम। नेक्स्ट है डोंट टाइटन योर आर्म्स। इसमें जब हम प्राणायाम करते हैं, जब हम कुंभक लगाते हैं या अपने हाथों की उंगलियों को मोड़ते हैं, तो हम इसमें हमारे बाजू टाइट नहीं होने चाहिए। टाइट कुछ शरीर का कोई भी भाग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स वे में होने चाहिए। कोई ये नहीं है कि हमने कोई जोर लगा के कोई ये प्राणायाम करने हैं, ऐसा भी हमारे मन में रहना चाहिए। इसी तरह का कोई टेंशन इसमें नहीं रहनी चाहिए। डोंट स्वेलो सलाइवा बिफोर इंडेलेशन एंड ड्यूरिंग रिटेंशन। देखिए क्या होता है कि भी जो हमारा सलाइवा है वो ऑटोमेटिकली हम उसको स्वेलो करते रहते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि जब हम इनहेलेशन करते हैं या रिटेंशन करते हैं तब स्वेलो नहीं करना चाहिए, तब हमको ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है रिलैक्स फॉर समथिंग आफ्टर फिनिशिंग योर प्रैक्टिसेस। जब हम पूरा कर लेते हैं प्राणायाम तो उस समय के लिए हमको रिलैक्स करना चाहिए ताकि बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो जाए और धीरे धीरे वो अपने जगह पर काम, जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो ठीक तरह से काम करना शुरू कर दें। तो ये कुछ बातें ध्यान रखने चाहिए हमें प्राणायाम करते समय। नेक्स्ट है अष्टांग योग। अष्टांग योग जैसे मैंने पहले बताया था कि महर्षि पतंजलि ने योग के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अष्टांग योग का के स्टेप्स बताए गए हैं। अष्टांग योग में 8 लिम्स ऑफ योग हैं, 8 स्टेप्स हैं, वो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो ये 8 स्टेप्स हैं। तो ये जो 8 स्टेप्स हैं ये खास तौर से स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत ही मायने रखते हैं, हालांकि हर एक व्यक्ति के जीवन में मायने रखते हैं। अगर इसको हम इसमें से जितने भी मैक्सिमम इसको अडॉप्ट कर लें उतना ही हमारे लिए अच्छा है, और खास तौर से कंसंट्रेशन के लिए, क्योंकि हमारा मन चंचल होता है। देखिए आप किसी बच्चे के मन को आप जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाते और उसमें चंचलता इतनी होती है कि वो कुछ ना कुछ शरारतें करते रहते हैं। तो इसलिए अगर हम उनको योग अभ्यास करवाए जाएं या उनके साथ किए जाएं, आप करेंगे तभी बच्चे करेंगे। तो इसलिए अगर हम करते रहेंगे योग अभ्यास तो हम उसका फायदा हमको मिलता रहेगा। तो सबसे अष्टांग योग हम लेते हैं, सबसे पहला है यमाज। यमाज एक तरह से सोशल हाइजीन है। देखिए योग करने से पहले कुछ हमें अपने जीवन में सिद्धांत बनाने पड़ेंगे। सिद्धांत कौन से बनाने पड़ेंगे, ये यम के नियम, यम के सिद्धांत हैं
ये सोशल हाइजीन है, जैसे अहिंसा है, अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस क्या होते हैं, किसी को मन वचन और कर्म से किसी को दुख ना पहुंचाना, ये नहीं किसी को फिजिकली ना मारना, किसी को गाली देकर के मानसिक प्रताड़ना ना करना, किसी को ऐसी कोई बात कहता है उसको बुरी लग जाए, वो भी हिंसा में आती है। तो अहिंसा का पालन करें, ठीक है। और दूसरा है सत्य। सत्य का अर्थ है सच। हालांकि हम सभी जानते हैं कि सच बोलना चाहिए, पर लेकिन हमको, मैं ये कहता हूं कि एक हफ्ते में कम से कम आप मनन करें कि भी हमने कहां कहां झूठ बोला है। तो अगर हम धीरे धीरे उस आदत को खत्म करते जाएंगे और सच की, देखिए आप सभी जानते हैं कि जीत हमेशा हमेशा सत्य की होती है, और हम सत्य के रास्ते पर चलने की कोशिश करें तो अच्छा है। कई बार हम देखते हैं कि झूठ बोलने से हमको कोई फायदा हो गया, देखिए वो टेम्परेरी फायदा है, आपको कहीं ना कहीं वो नुकसान जरूर करेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि सत्य के रास्ते पर चलें, और जैसे ये अपने महात्मा गांधी जी ने बताया था कि सत्य की राह पर चलने से हमको बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है नॉन स्टीलिंग, अर्थात चोरी न करना। देखिए जो दूसरे ने किसी अपने मेहनत से वो चीज कमा के बनाई है और उसकी चीज को चोरी कर लेना, वो एक बहुत बड़ा पाप कहलाता है। योग कहीं नहीं कहता है कि भी आप दूसरों की चीज पे निर्भर रहो, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। हमारे आज के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि अगर हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो हमें किसी चीज की कोई दुख दर्द और नहीं होगा, और हम सब बड़े आराम से खुशी से अपना जीवन जिएंगे। तो अस्तेय का यह हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम दूसरे की चीजों को चोरी ना करें। तो इसलिए ये है। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है खासतौर से सेक्स पर कंट्रोल करना, और सेक्स पर कंट्रोल करने के लिए हमको जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख नाक कान जीव और त्वचा, इन पर कंट्रोल करना जरूरी है। हम आंखों से ऐसी कोई चित्र ना देखें जो हमारे जो ब्रह्मचर्य को भंग करती हूँ, जो हमारे ब्रह्मचर्य को हमारा मन को असंतुलित करती हूँ, तो वो चीज हम ध्यान रखना है। ऐसे ही ऐसी कोई चीज मन वचन कोई जीव से ऐसे कोई शब्द ना बोलें जिससे जैसे कोई गाली निकालना, तो ऐसे ही शब्द ना बोलने से भी हमारा ब्रह्मचर्य टूटता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखने योग्य होती हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने इंद्रियों पर काबू करें, ये सब हम करेंगे तो हमारे धीरे धीरे मन की एकाग्रता भी बढ़ती रहेगी और चंचलता दूर होती रहेगी। नेक्स्ट है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है जरूरत से ज्यादा धन को इकट्ठा न करना, अर्थात जितनी आपको धन की जरूरत है, मान लीजिए हमको आपको पेंट शर्ट के लिए सिर्फ 3 या 4 की जरूरत है, आपके पास 50 क्यों होनी चाहिए? अगर आपके पास इतनी सारी होंगी तो आपके मन में ये भ्रांति रहेगी, ये टेंशन रहेगी कि भी मेरी कोई ये चीज खो ना जाए, या किसके पास इतना सारा धन है जरूरत से ज्यादा, तो उसको मन में ये रहेगा कि मेरे धन को चोरी ना कर ले, तो मन में कुछ ना कुछ तनाव रहेगा। तो कोशिश ये हमको ये करनी चाहिए। योग ये सिखाता है कि हमारे पास उतना ही धन रहना चाहिए, उतनी ही चीजें रहती हैं जितनी हमको जरूरत है, और जब जरूरत और की पड़ जाएगी तो हम और ले लें, तो उसको और धन एकत्रित कर लें या कमा लें या पर्याप्त उसका इतना संचय कर लें कि भी हमको ज्यादा जरूरत ना पड़े। अगर आपको 3-4 शर्ट की जरूरत है, पैंट शर्ट की जरूरत है, तो उतनी ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ये है यम नियम्स, यमाज सोशल हाइजीन। देखिए मैं तो यहाँ तक रिकमेंड करता हूँ कि हम ये बातें सुन तो लेते हैं, अहिंसा की हिंसा ना करो, सत्य सच बोलो, अस्तेय चोरी ना करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, धन को ज़्यादा इकट्ठा ना करो। मैं ये खासतौर से विद्यार्थियों को ही कहूँगा कि अगर आपने इसका वास्तव में पालन करना है तो आप इसका व्रत रखना शुरू कर दीजिए। जैसे हम घर में व्रत रखते हैं, कभी कोई किसी का सोमवार का व्रत रखता है, कोई बुधवार का व्रत रखता है, कोई शुक्रवार का व्रत रखता है। मैं ये कहता हूँ कि आप सोमवार को अहिंसा का व्रत रखिए, मंगलवार को सत्य का व्रत रखिए, अस्तेय का बुधवार को रखिए, बृहस्पतिवार को ब्रह्मचर्य रखिए, अपरिग्रह का उसको रखिए, मतलब सोमवार को अहिंसा का रखेंगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि भाई मेरे द्वारा किसी को हिंसा ना पहुंचे, बस, ताकि आपका मन, इससे क्या होगा, हमको मन एकाग्र करने में मदद मिलेगी। अगर अदरवाइज क्या होगा, ठीक है आपके हाथ से किसी को थप्पड़ पड़ रहे हैं, कहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं। तो आप हमने अपने मन को समझाना है कि इन बातों में कुछ नहीं रखा, आप अपने मन को शांत रखिए और एकाग्र करने की कोशिश करें। तो ऐसे हम व्रत रखने में का इसका पालन करेंगे तो हमको ज्यादा मिलेगी मन को एकाग्र करने के,
मन को कंसंट्रेट करने के लिए। नेक्स्ट है नियमाज। नियमाज है पर्सनल हाइजीन्स, पर्सनल प्रिंसिपल्स, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान। शौच का अर्थ है सफाई का रखना, क्लीनिंगनेस। नेक्स्ट है संतोष, सेटिस्फेक्शन, मतलब जो आपको मिल जाता है उसमें ही संतोष रखिए। तो ये नहीं है कि आपने मेरे को और भी गेन करना है और भी करना है, जो अगर आपको 80% मार्क्स आए हैं तो आपने उसी पे संतोष रखनी है। अगर आपने कोशिश ये आप मानते हैं कि मेरे 90% मार्क्स आने चाहिए तो आप आगे मेहनत कीजिए, तब कीजिए, तब करके आप 90% लाने की कोशिश कीजिए। किसी से जबरदस्ती नहीं कि नहीं मेरे तो इतने ही परसेंट आने चाहिए थे, ये गलत लगे, ऐसा मत करिए। जितना जो भी आपके पास है उसमें सेटिस्फेक्शन रखिए, तभी आपका जो है जो कंसंट्रेशन है वो आपकी इंप्रूव होगी, अदरवाइज मन चंचल बनेगा। क्योंकि तपस है, तप का मतलब है तपस्या करके कोई चीज़ हासिल कीजिए। ये नहीं है कि किसी को चोरी चारी करके आप चीज़ हासिल कर लें, योग ये नहीं सिखाता। योग सिखाता है किसी कोई भी चीज़ हासिल करनी है तो उसको तपस्या से हासिल करो, उसको मेहनत से हासिल करो, और किसी रास्ते से नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब स्वयं अध्ययन करने की आदत डालिए, किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए। आप इसके इसके लिए बहुत सारे साधन आ गए हैं, यूट्यूब भी आ गया है, अपना ये बुक्स हैं, टीचर्स हैं। ये नहीं है कि अपना हम तो वैसे कोशिश ये करते हैं जो आपकी जो बुक्स हैं जो आपके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती हैं, जो आपके हर तरह से हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं, उसके बारे में अध्ययन खुद करना चाहिए हम कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सब उसका अध्ययन स्वयं ही करना चाहिए। अगर आपने मदद लेनी है किसी टीचर की मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट है ईश्वर परिधान। ईश्वर परिधान का मतलब है अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करना, सरेंडर एंड डिवोशन टू गॉड। अगर हम ये विश्वास रखेंगे अपने गॉड में तो हमको मन को कंसंट्रेट करने में भी मदद मिलेगी। ये एक तरह से कैसे मिलती है कि हम अपने मन को, जो हमारा मन है उसको हम कहते हैं कि सब चीज़ें भूल जाइए, आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए, आप जिसको अच्छा समझते हैं, चाहे मैं कहता हूँ गॉड को नहीं, अगर आप माँ बाप को सब कुछ समझते हैं उनको समझ लीजिए, या नेचर को समझते हैं तो नेचर के प्रति अच्छा विश्वास रखिए। मतलब आपको विश्वास रखना होगा किसी ना किसी शक्ति में, ये एक तरह से शक्ति है ताकि हम अपने आप को जो मन को जो हमारा जो मन है खासतौर से उनको उसको हम एकाग्र कर सकें। तो ये है हमारे इसके यम और नियम। नेक्स्ट है आसंस। आसंस हमने अभी डिस्कस कर लिए थे। आसंस आर फिजिकल पोस्चर्स विच आर परफॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग द मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड ब्रेथ, दिस रिजल्ट्स इनटू एनहांस्ड कंसंट्रेशन। देखिए आसन तो हमारे कंसंट्रेशन को एनहांस करते ही करते हैं, और ये हम हर तरह के आसन करें, मैंने चार तरह के आसन बताए थे। नेक्स्ट है प्राणायाम। प्राणायाम भी मैंने आपको अभी डिस्कस कर दिया कि भी प्राणायाम में हम क्या 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 करना चाहिए और क्या क्या रेशो के अनुसार करना चाहिए और कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं। तो प्राणायाम टू कंट्रोल द ब्रेथ, मतलब देखिए ये ब्रेथ को कंट्रोल कौन करता है, वैसे साइंटिफिकली हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है ब्रीदिंग प्रोसेस को, और वो अगर हम ब्रीदिंग प्रोसेस को आप प्राणायाम से थोड़ा सा इफेक्टेड कर देंगे तो हमारे सीधा नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करता है। नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करने से क्या होता है कि हमारा मन एकाग्र होने में कोशिश करते हैं हम कि वो, और वो बिल्कुल शांत हो जाता है, किसी तरह का कोई तनाव हमें मन में नहीं रहता, और जो हम सोचते हैं कम करने के लिए वो हम डिसाइड जो किया होता है उस पर हम हमारा मन लग जाता है। खासतौर से ये प्राणायाम जो है जो स्टूडेंट्स लाइफ में हमको जरूर करने चाहिए, प्राणायाम और कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज जैसे मेडिटेशन भी है। नेक्स्ट है प्रत्याहार। प्रत्याहार मीन्स विड्रॉल ऑफ सेंसेस। जो हमारी सेंसेस हैं आँख नाक मुंह जीव त्वचा, इन पर कंट्रोल करना। जो हमारे ये सेंसेस जितने भी हम इनको कंट्रोल कर लेंगे, जैसे हियरिंग है, सीइंग है, स्मेलिंग है, टेस्ट है और टच है, इस पर हम कंट्रोल कर लेंगे तो वो, और हम अंतर्मुख हो जाते हैं तो उससे भी हमको मन हमारा एकाग्र होता है। क्योंकि ज़्यादातर जो चंचलता है वो इन्हीं चीज़ों में होती है, हियरिंग में होती है। हम ऐसे तड़क भड़क वाले गाने सुनते हैं कि हमारा मन चंचल हो जाता है, या कोई ऐसी बात सुन लेते हैं हमारा मन चंचल हो जाता है। तो इन चीज़ों को धीरे धीरे हम अवॉइड करें तो दैट इज़ बेटर, ठीक है। नेक्स्ट है धारणा। धारणा के बाद तो हम आपसे डिस्कस ही कर रहे हैं, धारणा मीन्स कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के ऊपर हम जो हम कर रहे हैं वो हम आप डिस्कस ही कर रहे हैं। नेक्स्ट है ध्यान। जब हम कुछ चीज़ धारण कर लेते हैं और मन को एकाग्र कर लेते हैं और उसी के ऊपर ही ध्यान लगाते रहते हैं, उस चीज़ को हम ध्यान कहते हैं।
और नेक्स्ट है जो ध्यान की जो लास्ट स्टेज है उसको हम समाधि कहते हैं। तो ये चीज़ें हमारी कंसंट्रेट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल हैं। लास्ट में है षटकर्माज। षटकर्माज एक तरह से शुद्धि क्रिया है, क्लीनिंग प्रोसेस है। देखिए केवल जो हम जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी की सफाई के लिए बाहर से तो हम नहा धोते हैं, नहाने धोने के बाद, लेकिन जो हमारे अंदर से सफाई है शरीर की वो नहीं हो पाती, वो केवल योग के द्वारा ही संभव है। या आप बीमार पड़ जाते हैं तो हमें जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं उनको वो चीड़ फाड़ करके हमारे अंदर से बॉडी की सफाई कर पाते हैं। तो उससे बढ़िया तो ये है कि हम योग के जो षटकर्म हैं उनको अपना करके हम शरीर के आंतरिक जो शुद्धिकरण है वो कर लें तो अच्छा है। इसमें से कुछ जो खासतौर से कपालभाति और त्राटक कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए वो हेल्पफुल है। षटकर्माज छः हैं। छः कौन कौन से? नेति, धोती, बस्ती, न्योली, कपालभाति और त्राटक। तो ये सब इंटरनल बॉडी पार्ट्स को क्लीनिंगनेस के लिए है। कपालभाति में हम क्या करते हैं, श्वास को झटके से बाहर निकालते हैं और पेट को अंदर करते हैं और इसका दबाव हमारे जो माथा है उस पर पड़ता है और पड़ने से वहाँ पर हमारी जो नर्वस सिस्टम के सर्कुलेशन है वो बढ़ जाती है। बढ़ने से आपको पता ही है कि फंक्शनिंग बेटर बन जाती है। फंक्शनिंग बेटर बनने के लायक कि मन एकाग्र होने लगता है, कुछ तो उसको एक्सरसाइज मिलेगी और हम वो हमको कंसंट्रेशन करने में हेल्प भी मिलेगी। नेक्स्ट है त्राटक। त्राटक में हम क्या करते हैं, आँखें खोल करके मोमबत्ती सामने जला करके, जैसे आप देख रहे हैं छठे नंबर पर त्राटक ये प्रतिभागी कर रहा है, तो जो मोमबत्ती जला करके मोमबत्ती की लौ पर ही कंटिन्यू देखना ही त्राटक है। इससे क्या जो हमारी जो कंसंट्रेशन है, हमारा मन हम ये इसमें ये कहते हैं कि आप अपना ध्यान मोमबत्ती की लौ पर रखिए और जैसे ही मोमबत्ती को लौ पर रखेंगे तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि मोमबत्ती की लौ कैसी है, कितनी लंबी है, कितनी एरिया में फैली हुई है, ये जलती क्यों है, ऐसा क्यों होता है। तो हम अपने मन को वहीं रखते हैं, उसको मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, हमको मदद एकाग्र करने में मदद मिलती है। तो ये सब चीज़ें हम षटकर्म से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी और भी योगिक क्रियाएं हैं, बंदाज भी हैं, मुद्राज भी हैं और बहुत सी एक्सरसाइज हैं। अगर ये भी कर ली हम कम से कम आधे घंटा की अभ्यास कर लें तो वो हमारे लिए सफिशेंट है। तो ये मैं ये रिकमेंड करूँगा कि भी रोज़ कम से कम हाफ एन आवर खासतौर से स्टूडेंट्स इसका अभ्यास जरूर करें। और देखिए ये इसलिए इनके फायदेमंद है स्टूडेंट्स के लिए कि उनकी जो स्टडी है उनकी मेमोरी बढ़ाने के लिए, उनको उनके मन को एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ये योगी एक्सरसाइज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हिज लाइफ। और ये योग को अगर हम जीवन का एक भाग बना लें, एक पार्ट बना लें, तो इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती। और ये चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको कुछ ही लॉस करना पड़ जाए, लेकिन ये योग एक्सरसाइज आप डेली रूटीन बना लें तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। थैंक यू जी। तो आज के सेशन में हमने जाना कि योगा किस तरह से हमारे कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने में मदद करता है, क्योंकि योगा कहीं ना कहीं हमारे इंटेलेक्चुअल और इमोशनल हेल्थ को प्रमोट करता है। और इन सारी जानकारी के लिए प्रोफेसर नारायण आपका धन्यवाद। थैंक यू। और अगले सेशन में हम बात करेंगे योगा फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो बने रहिए हमारे साथ, हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।